मसीही समाज के द्वारा बीजापुर अगनपल्ली के पास्टर की निर्मम हत्या किए जाने को लेकर अपना विरोध जताया गया। साथ ही पटेल चौक पर पुतला जलाकर महामहिम राज्यपाल के नाम न्यायिक जांच किए जाने की मांग लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। बीजापुर जिले के अगनपल्ली में पास्टर यालम शंकर तिमोथी की 6 लोगों द्वारा गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। मामले को लेकर मंगलवार को दुर्ग के पटेल चौक पर संयुक्त युवा मसीह समाज ने प्रदर्शन किया और असामाजिक तत्वों का पुतला फूंककर अपना आक्रोश जताया। इस मौके पर युवा मसीह समाज के सदस्यों ने कहा कि पास्टर यालम शंकर की हत्या कर इस मामले को नक्सली जामा पहनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पास्टर यालम शंकर तिमोथी की मौत की न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा मुकर्रर करना चाहिए और साथ ही ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। पुतला दहन और प्रदर्शन के बाद युवा मसीह समाज ने SDM को ज्ञापन भी सौंपा और फूल भेंट करते हुए उचित कार्रवाई करने की मांग की। इस संबंध में मसीह समाज के पदाधिकारी गण ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। बीते दिनों में बीजापुर में हमारे एक धार्मिक अगुए के साथ क्या किया गया, गोली मार दी गई और झूठा आरोप लगाया गया। ये बहुत दुखद बात है कि मसीह समाज के ऊपर में बार बार ऐसा आरोप आता है कि हम धर्मांतरण करते हैं। जिस हिसाब से धर्मांतरण का आरोप लगाया जाता है उस हिसाब से तो छत्तीसगढ़ को 2 बार ईसाई बन जाना चाहिए। आज भी हम अल्पसंख्यक हैं और हम चाहते हैं कि जो हमें आज़ादी हमारे संविधान में दी गई है वो आज़ादी सबको दी जाए। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं लोगों के लिए, लेकिन जबरदस्ती अत्याचार कोई भी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि उचित कार्रवाई की जाए। हमारे जो पास्टर साहब की हत्या की गई उसके ऊपर में उच्च दंडाधिकारियों के जरिए या तो सरकार अपने समझ के हिसाब से अधिकारी बैठाए कि जो न्याय प्रक्रिया को सही तौर पे करे और मसीह समाज में एक सहज भावना हो जिसको लेके हम आगे बढ़ते हैं, सेवा करते हैं। हमारी प्रार्थना है हमारे समाज को और हमारे जो पादरी साहब जिनकी मौत हुई है उनको सही न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद। हम इसमें राज्यपाल महोदया जी से निवेदन करते हैं इसमें न्यायिक जाँच हो। अगर न्याय जांच नहीं होगी तो ये पता नहीं चलेगा वहाँ पे पर्चे फेंके गए, क्या ये सचमुच वहाँ के अपने किसने फेंका। लोग बोल रहे हैं कि इसने गोली मारा, इसने उसने हत्या कर दी, इसने हत्या कर दी, पर यहाँ तो माओवादियों का नाम आ रहा है। माओवादियों का नाम आ रहा है तो इसकी न्याय जांच होनी चाहिए। माओवादियों ने मारा है कि वहाँ के ग्रामीणों ने मारा है मिलकर, इसकी जाँच होनी चाहिए क्योंकि ये जाँच का विषय है। और अभी हमारे मेरे पहले वक्ताओं ने बोला जो बात, अगर धर्मांतरण वाकई में होता तो छत्तीसगढ़ में एक भी मामला कोई सामने लेके आता, एक भी मामला। जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से कोई भी मामला सामने नहीं आया, हर बार कोई ना कोई झूठा आरोप लगाया जा रहा है पासवानों के ऊपर या किसी एक व्यक्ति के ऊपर या किसी नए व्यक्ति के ऊपर, किसी के ऊपर भी, क्योंकि यहाँ पे किसी को कोई प्रलोभन नहीं दिया जाता। जो आता है चर्च अपनी मर्जी से आता है, जैसे अलग अलग धार्मिक स्थल है हर कोई जा सकता है स्वेच्छा, वैसे ही हमारा चर्च भी है जहाँ स्वेच्छा हर कोई आ सकता है, अपनी भावनाओं को रख सकता है, अपने दर्द को रख सकता है। जो धरना प्रदर्शन है पास्टर यालम जो कि बीजापुर के एक धार्मिक गुरु थे जिनके नकाबपोशों ने हत्या कर दी, चूँकि वे धार्मिक गुरु थे और सही मार्ग की शिक्षा देते थे, प्रभु की सेवा करते थे, उनकी नकाबपोशों ने निर्मम हत्या कर दी, उनके मुंह में गोली मार करके उनकी हत्या कर दी, अपने पैरों से मारकर उनका अपमान किया। उन्हीं के इस अपमानजनक हत्या के विरुद्ध में आज हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। संयुक्त मसीह युवा समाज की ओर से हम सब यहाँ पर हैं और हम चाहते हैं, शासन से मांग करते हैं कि इसकी गहन जांच हो, जिन्होंने उनकी हत्या की है उनको फांसी की सजा दी जाए और उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए, सही मुआवजा दिया जाए, सही न्याय किया जाए, ये हमारी प्रशासन से मांग। बहरहाल इस मौके पर मसीह समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।